Can we? जैसे कि आपको पता है कि जिला पुलिस पहुंच में ये हमारे वुमेंस हॉल में यहाँ खड़े हैं, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं कि जो हमारी माताएं बहनें बच्चियों को परेशानी होती है जिनको वो लाज करती है हमारे वुमेंस हॉल में। इसकी कारकर्दगी के बारे में अगर मैं दो शब्द कहूँ तो तकरीबन इस साल जिला पुंछ में 2500 के करीब 2500 कंप्लेंट्स जो औरतों ने हमारी महिलाओं ने करी हैं, और जिसमें तकरीबन 97 कंप्लेंट्स का जो इजाला है कोशिश करके फैमिली को सेटलमेंट करके उनका डिस्पोजल किया गया है, और जो बाकी कंप्लेंट्स हैं उसमें 80 FIRs लगे हैं, जो कुछ जेल तफ्तीश हैं तो कईयों का चलान करके कोर्ट में पेश किया गया है जहाँ पर उनकी समाप्त हो रही है। आज के आपके माध्यम से कोशिश करी गई कि जो हमारी औरतें हैं कि पिछड़े इलाकों में हैं कि कम पढ़ी लिखी हैं, तो उसके लिए जिला पुलिस ने एक इनिशिएटिव लेते हुए एक 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर का नंबर रखा है, जो मैं नंबर पढ़ दूँ, वुमेन हेल्पलाइन 8082341436। ये नंबर जो हमने कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, हम कोशिश करेंगे हर पैसेंजर्स व्हीकल पर, हर गली चौराहे पर लगाया जाए, और हर औरत हर बच्ची जिसे कोई परेशानी हो 24/7 किसी समय फ़ोन कर सकती है, और मैं आपको श्योर करता हूँ कि कंप्लेंट नोट की जाएगी और उस पर एक्शन भी होगा। इसके साथ साथ एंटी ड्रग हेल्पलाइन नंबर 9622003495 आपके माध्यम से इस साल तक अभी तक हम कोई 52 के करीब NDPS के FIR जिले में लगा चुके हैं। काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी और काम करने की कोशिश भी की जा रही है। तो कुछ आपके माध्यम से समाज के कुछ वर्गों से एक संदेश आया कि एक ऐसा नंबर हो जिसमें हम कभी भी बात शेयर कर सकें और हमारी पहचान को गुप्त रखा जाए, तो इस नंबर के माध्यम से जिसको हम सोशल मीडिया पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पर, पब्लिक प्लेसेस पर डिस्प्ले भी करेंगे, आप कोई फ़ोटो किसी के बारे में कोई बात बता सकते हैं और हम उसका इन्वेस्टिगेट करके, ऐसा नहीं कि किसी ने बात बताई क्या पता उसमें उसका कोई अपना जाति मकसद हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके अगर वो बंदा मनुष्यात में मुलविस है उसके खिलाफ भी पूरा कार्रवाई करा जाएगा। तो एक बार द्वारा आज के माध्यम से मैं बताऊं कि वुमेन सेल पुंछ ने जो हमारे यहाँ पर पुंछ में और हमारे मेंढर थाने में, मंडी थाने में हमारे छोटे छोटे वुमेन हेल्प डेस्क हैं, 2500 के करीब हमारे पास इस साल में आज तक ये कंप्लेंट आई थी, 97.04 के करीब हमने FIR दिए हैं, और इस हेल्पलाइन के माध्यम से हम ये तवक्को करेंगे कि जो औरत अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही है वो अपनी कंप्लेन करें और हम उसका इजाला करें। इसके साथ साथ माशरे में लोगों से ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि जो औरतों के हकूक हैं उनके बारे में वो भी बहुत शोर करें। सर, इस तरीके जो औरतों के खिलाफ क्राइम हो रहा है तो उसको जागरूक करने के भी कोई कार्यक्रम चलाएगी पुलिस? बिल्कुल जी, आप अगर इस स्टेप को माने तो ये भी जागरूकता ही है कि अगर वो घर में किसी चीज़ से परेशान है, उसको लगता है कि मेरे साथ कोई जुर्म हो रहा है, तो हम जो नंबर दे रहे हैं आपके माध्यम से इसको लोगों में फैला रहे हैं, हम जागरूक कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ जब हम स्कूल कॉलेज में जाएंगे वुमेन डिबेट्स में भी इसको और भी लोगों के पक्ष में लाया जाएगा ताकि लोग बढ़ चढ़ के अपनी माताएं बहनें अपने आएँ और अपनी बात को हमारे सामने रखें। शुक्रिया।